शिव भोला भंडारी, सुनो विनती हमारी। आदि है, अनंत है, शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार। यूं कहें कि शिव ही समस्त ब्रह्मांड है, देवों के देव है महादेव। गौरी शंकर कहे जाने वाले कैलाशपति भोलेनाथ समाधिस्थ होकर अपने आराध्य के ध्यान में लीन रहते हैं और निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं। एक समय देवी सती बोली, हे नीलकंठ योगेश्वर, आप किनकी पूजा करते हैं? कौन है वो परमेश्वर? तो भोलेनाथ बोले, हे देवी, राम का नाम अपने आप में ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस अखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म रूपी राम कण कण में समाये हैं। शंकर जी देवी सती को समझा ही रहे थे कि वो बोली, हे नाथ, जो स्वयं नारायण स्वरूप हैं, वह मृत्यु लोक में क्यों विचरण करते हैं? मैं श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर वह परमेश्वर हैं, तो सब जानते ही होंगे। इतना कहकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर सती जी देवी सीता का रूप रख कर श्री राम के सन्मुख खड़ी हो गयी। जगत के पालन करता प्रभु राम बोले, हे संपूर्ण जगत की माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। इसीलिए कहा गया है कि देवी सती जब सीता बनकर श्री राम के सन्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। जय शंभु, जय कैलाशी, जय महाकाल अविनाशी, महाकाल अविनाशी, तेरे कितने रूप हैं भोले, तू है कण कण वासी, तू है कण कण वासी, देरा पार कर भोले पार कर। देवी सती का भ्रम दूर हुआ और कैलाश वापस आ गई और सारी कहानी महादेव को सुनाई। वो बोले, हे देवी, मेरे आराध्य ने आपको माता कहकर संबोधित किया है, अर्थात जो उनकी माता है वह मेरी भी माता तुल्य ही है। इसलिए आज से आप मेरी वामांगी नहीं रहीं। देवी सती समझ गईं कि चराचर जगत के स्वामी श्री राम पर संदेह करने का ही ये फल पाया है। इसलिए वो अपनी देह त्याग कर पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेती है और कई परीक्षाएं देकर महादेव को पुनः प्राप्त करती हैं। एक बार ब्रह्मवश श्री राम की परीक्षा लेने से उन्होंने न जाने कितने कष्ट उठाए। इसीलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुख धाम, गाओ राम की जय जय कार, गाओ कथा सरल साकार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शिव ही भगवती पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब इस जगत में स्वप्न मात्र है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस यूं तो श्री राम की जीवन गाथा है, जिसके बालकांड में शिव पार्वती जी के विवाह की कथा कही गई है। इसमें प्रभु राम ही महादेव को देवी पार्वती से विवाह के लिए आग्रह करते हैं और महादेव श्री राम से कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बी नहीं विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। महादेव द्वारा ऐसे वचन कहने और प्रभु राम द्वारा शिव की महिमा कहना एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट और आराध्य मानते हैं और एक दूसरे का नाम जपते हैं।
इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री रामेश्वरम का वर्णन शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है कि जब श्री राम सीता जी को ढूंढने और रावण से युद्ध के लिए वानर सेना सहित समुद्र तट पर आए तब प्रभु राम के पीने के लिए वानर मीठा जल लाए तो श्री राम को स्मरण हुआ कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो आज किया ही नहीं फिर जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। इतना कहकर रघुनंदन ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कई प्रकार के फूलों से पूजन किया। पूजन से प्रसन्न हो भगवान शिव देवी पार्वती सहित तत्काल वहाँ प्रकट हुए और बोले हे श्री राम तुम्हारा कल्याण हो विजयी भव। तभी तो कहा गया है कि पूजन राम चंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्हा परीक्षा तभी पुरारी। अर्थात लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हे महादेव जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। मानस जी में जहाँ कहीं भी गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को दिखाया तो किसकी पूजा करते हुए भगवान राम की पूजा करते हुए भगवान राम का ध्यान करते हुए और भगवान राम को भगवान शंकर का ध्यान करते हुए दिखाया अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि सेवा का स्वामी सखा सिया पी के हितनी रूपधि पधि सब विधि तुलसी के सेवा का स्वामी। दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मेरे स्वामी राम हैं। भगवान राम कहते हैं मेरे स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं। जिस शून्य से विज्ञान नए नए शोध करता है वही शून्य शिव हैं और उन्हीं के हृदय में विराजमान हैं प्रभु राम। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी हृदय में भगवान शिव वास करते हैं। दोनों के ही बिना एक दूसरे की कल्पना अधूरी है। ऐसे परम कृपालु महादेव संग प्रभु राम के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम।